हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम कोस्ट अकाउंटिंग सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। अभी तक हमने है जो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, उसी में से एक था क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। ओके, तो फाइनली वो है जो मैंने पूरा कर दिया है। आज जो हम देखेंगे जीरो बेस बजटिंग। ओके, तो जीरो बेस बजटिंग होता क्या है, जो कि मोस्टली अगर आप एमकॉम कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं, तो ये जो है इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो लेट्स सी व्हाट इज़ जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इन शॉर्ट इसे है जो ZBB कहते हैं। ओके, ZBB। ओके, सो ये बजटिंग का एक टेक्निक ही होता है। क्या होता है टेक्निक है किसका, बजटिंग का। और इसको सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, अमेरिका में किसी कंपनी में यूज़ किया गया था। और कब किया गया था, 1962 में। ओके, अब नॉर्मली जो है बजटिंग की टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का जो बजट होता है उसको बेस मानते हैं, और आने वाले यानी जो करंट ईयर होगा उसके उस करंट ईयर में हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम करंट ईयर के बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के बजट को बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, बट इन अ ZBB में यानी जीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि नॉर्मल टेक्निक ऑफ बजटिंग इज टू यूज प्रीवियस ईयर कॉस्ट लेवल एज अ बेस। जो प्रीवियस ईयर का जो कॉस्ट लेवल होता है ना, उसको बेस मानते हैं। प्रीवियस ईयर के कॉस्ट लेवल को हम क्या मानते हैं, बेस फॉर प्रिपेयरिंग दिस ईयर बजट। अगर आप इस साल का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मली ये बजट की टेक्निक में करते हैं। बट इन अ ZBB में, इन ZBB एवरी ईयर इज टेकन एज न्यू ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज नॉट टेकन एज बेस। हर साल हम एक नया न्यू ईयर हम मानते हैं। ठीक है, हर साल जो है न्यू ईयर हम मानेंगे एवरी ईयर को, एंड प्रीवियस ईयर को हम बेस नहीं लेते। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। डन। बजट फॉर दिस ईयर विल हैव टू बी जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। अब इस साल का बजट बना रहे हैं हम, पिछले साल वाले को हमने लिया ही नहीं, उसको जीरो माना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो जो भी करंट सिचुएशन होगा उसको हम जस्टिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा इस साल का बजट। ओके, कि सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। तो बजट फॉर दिस ईयर विल हैव टू बी जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो जो भी हम बजट प्रिपेयर करेंगे वो जस्टिफाई होना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। देन एक डेफिनेशन आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है समझने के लिए, डेट इज अ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम अ स्क्रैच। दैट मीन्स ये बोला गया है कि ईच मैनेजर को, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, हर मैनेजर की एक रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो बजटिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस कर रहा होता है, कि वो जस्टिफाई करे। किसको जस्टिफाई करे, अपना जो भी उसने बजट प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, वो भी डिटेल में। ठीक है, जीरो टू एंड यानी स्टार्ट से लेके एंड तक उसको पूरा का पूरा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, एंड शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ, और साथ ही साथ उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा टू ईच मैनेजर टू जस्टिफाई वाई ही शुड स्पेंड मनी टू ऑल। यानी जिसको भी उसने वो बनाने के लिए बोला होगा, काम दिया होगा, तो उसका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जस्टिफाई करे कि अगर उसने अपना पैसा स्पेंड किया है तो क्यों किया, कैसे किया। ओके, तो ये सारा जो है अगर मैं बोलूँ तो जस्टिफाई करना होता है, पूरा डिटेल देना होता है। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है कि रिक्वायर ऑल एक्टिविटीज भी एनालाइज, जितने भी एक्टिविटीज है उसको जो एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन डिसीजन पैकेजेस, किसमें करते हैं हम, डिसीजन पैकेजेस में। अब ये डिसीजन पैकेजेस क्या होता है, तो डिसीजन पैकेजेस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाली है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट That identify एक decision packages क्या है, packages है ना, तो कोई packet नहीं है, that is it is only a document। आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है, एक document के form में होता है। That identify a specific activity, जो identify करता है एक specific activity को in such a manner that management can evaluate, मैनेजमेंट को एक हेल्प मिल जाए किस चीज के लिए, कि ताकि वो भी जो भी एक्टिविटी है उसको इवेल्युएट कर पाए और उसको रैंकिंग दे पाए। ठीक है, क्योंकि वेरियस एक्टिविटीज होती है तो आप उसको चूज करना है कि कौन सा एक्टिविटी ज्यादा बेटर है। ओके, तो उसको रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो अपना चूज कर पाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती है,
ठीक है, तो इसलिए अभी ये जरूरी हो जाता है. एंड डिसाइड वेदर टू अप्रूव और डिसअप्रूव, साथ ही साथ ये हेल्प कर देता है कि क्या प्रोजेक्ट को, यानी जो भी बजट हमने प्रिपेयर किया है उस प्रपोजल के लिए, उसको अप्रूव करना चाहिए या डिसअप्रूव करना चाहिए. तो ये हमें काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करवा देता है. ओके, तो डिसीजन पैकेजेस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें आइडेंटिफाई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट को. ओके, नाउ द पॉइंट इज इट विल हैव टू बी प्रूव्ड. उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा डेट एन एक्टिविटी इज एसेंशियल, कि जो एक्टिविटी उसने की है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है. और अमाउंट आस्क फॉर अ रियली रीजनेबल, जो भी है वो अमाउंट चाह रहा है उस बजट में, ठीक है ना, तो वो रीजनेबल है. ठीक है, रीजनेबल आप कैसे तय करेंगे, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, जो भी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सच में रीजनेबल है उतनी अमाउंट. ओके, देन है प्रोसेस. जेट बीवी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मेनली फाइव पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, कोई भी बजट प्रिपेयर करते हैं तो पहला कोई भी काम करते हैं तो उसमें पहला सबसे पहला हमेशा हमारा पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव का. ओके, तो इसमें भी वही है कि पहला पॉइंट आ जाता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स. पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे. देन सेकेंड है एक्सटेंट टू विच जेट बीबीबी इज टू बी अप्लाइड. अब हम देखेंगे क्या यहाँ जेट बीबी यानी है जो जीरो बेस्ड बजटिंग को यूज किया जा सकता है और कहाँ तक यूज किया जा सकता है. ठीक है, कि अप्लाई होगा तो इन सब का प्रोसेस कहाँ, ये सेकेंड स्टेप बन जाता है इस प्रोसेस का. देन है डेवलपिंग और डिसीजन पैकेजेस. अब डिसीजन पैकेजेस जैसे कि मैंने बोला डॉक्यूमेंट से होता है जो आइडेंटिफाई करवाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करवाने हेल्प करता है मैनेजमेंट की. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आ जाता है. देन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को एनालाइज किया जाएगा कि कॉस्ट हमारा मिनिमम हो और बेनिफिट हमें ज्यादा हो, इस बात पर ध्यान दिया जाता है. डेट इज फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ में होता है कि जेट बीवी में इज कंसर्न विद द सिलेक्टिंग अप्रूविंग डिसीजन पैकेजेस एंड फाइनलाइजिंग द बजट. बिकॉज हमने डिसीजन पैकेजेस को जो हमने डेवलप कर दिया, एनालाइज भी कर लिया, देन हमारा है जो ये अप्रूवल देना होता है लास्ट पॉइंट में, और फिर सिलेक्शन कर लिया जाता है उस बजट टेक्निक को कि हाँ ये हो सकता है, फिर इसको कंसर्न किया जा सकता है. ठीक है, ये सही फिट बैठेगा बजट. ठीक है, तो फिर देन उस बजट को फाइनलाइज कर लिया जाता है. तो ये हमारा जेड बीबीबी का प्रोसेस था, जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रोसेस था जो कि फाइव पॉइंट्स में इन्वॉल्व है. ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.